हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉटिकल सिंह का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है नितिन सिंह राजपूत और मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि क्रूज शिप कैसे ज्वाइन करें। तो मैं पहले थोड़ा अपने बारे में बता दूं। आप सोच रहे होगे ये इंसान कौन है अगर आप पहली बार देख रहे हो, तो मेरा नाम है नितिन सिंह राजपूत। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैं अभी एक रेप्यूटेड क्रूज कंपनी के लिए काम करता हूं। आपको ये इंस्टा का मेरा हैंडल मिल जाएगा, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो और मुझे फॉलो भी कर सकते हो। कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली थी कि आपको किस टॉपिक के बारे में मुझसे वीडियो चाहिए, तो उस पर बहुत लोगों ने सिर्फ एक ही रिस्पांस दिया जो कि था क्रूज शिप ज्वाइन कैसे करें। तो मुझे ये लगा कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हालांकि मैंने कुछ वीडियोस पास्ट में बनाई है जो कि आप लोगों ने नहीं देखी, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। तो उसी सीरीज का ये दूसरा वीडियो है कि क्रूज शिप ज्वाइन कैसे करें। सो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ये जानेंगे कि क्रूज शिप ज्वाइन करने के स्टेप्स क्या हैं एक एक करके। मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों ने क्रूज शिप क्या होता है इसके बारे में पता नहीं होगा। सबसे पहले हम जानेंगे क्रूज शिप होता क्या है। क्रूज शिप को एक सिंपल लैंग्वेज में फ्लोटिंग होटल भी बोलते हैं। एक ऐसा जहाज जहां पे आपको रेस्टोरेंट, सारे के सारे शॉप्स, कमरे, स्विमिंग पूल, वाटर स्लाइड्स, बास्केटबॉल कोर्ट एंड मूवी थिएटर और दुनिया भर की चीज़ें, आपको जो सारी की सारी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ है वो आपको एक क्रूज शिप पे मिलती हैं। और जो हमारे रोल होते हैं, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं गेस्ट को एक अच्छा एंड कम्फर्टेबल हॉलीडे एक्सपीरियंस देना। क्रूज शिप पे मोस्टली वेटर, बारटेंडर, सिक्योरिटी, गेस्ट सर्विसेज एंड ऐसे बहुत सारे पोजीशंस हैं जिनमें कि आप जा सकते हो अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस की बात करें तो क्रूज शिप का बहुत ही सिंपल फंडा है। कोई बोले फ्रेशर ले रहा है, कोई बोले एक महीना दो महीने का एक्सपीरियंस, बट मेरी नॉलेज में जहाँ तक मुझे पता है क्रूज शिप पे अगर आपके पास 6 महीने से लेके 1 साल का एक्सपीरियंस डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन नहीं है तो क्रूज शिप आपको एंटरटेन नहीं करेगा। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्लीज़ पहले आप जाके एक्सपीरियंस गेन करिए, कहीं कहीं काम करिए और उसके बाद जब आपके पास ये एक्सपीरियंस आ जाए उसके बाद आप जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है उसको आप फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहले आपका जो स्टेप होना चाहिए अगर आप एक क्रूज शिप की जॉब के एस्पिरेंट हो, वो होता है STCW। STCW एक बेसिक सेफ्टी का कोर्स होता है जो कि हर एक सी फेयरर को, हर एक इंसान, हर एक कैंडिडेट जो कि क्रूज शिप की जॉब करना चाहता है उसको करना पड़ेगा। जब आप एक बार STCW का कोर्स कंप्लीट करते हो तब आपको एक पासपोर्ट जैसा एक डॉक्यूमेंट मिलता है, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, जिसके की बेसिस पे आपको कंपनी हायर करती है। ये पहला स्टेप है, ये बेसिक स्टेप है और ये ईच एंड एवरी A to Z जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो कैप्टन हो, चाहे वो वेटर हो, चाहे हाउसकीपिंग हो, कोई भी डिपार्टमेंट का इंसान है, कोई भी डिपार्टमेंट कैंडिडेट है, ये कोर्स करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आपके पास ये कोर्स है तो लेट सपोज टोटल हायरिंग में 6 महीने का प्रोसेस लगता है और अगर आपके पास में STCW का कोर्स है, CDC है, तो आपका जो हायरिंग का या फिर प्रोसेसिंग का पीरियड है 6 महीने से 3 महीने या 2 महीने पे आ जाएगा। मान लीजिए आपके पास में रेलेवेंट एक्सपीरियंस है और आपके पास में STCW या CDC है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कहाँ करनी है, मैं डिस्क्रिप्शन में जो ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं मुंबई या पूरे इंडिया में उनकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरा वीडियो देखने के बाद में आप एक बार जाके उनको चेकआउट कर सकते हो। उनकी वेबसाइट पर जाएं, अपने आप को साइन अप करें, अपनी प्रोफाइल अपडेट करें और उसके बाद में वहाँ पर अगर आपको पोजीशन दिखती है अप्लाई करो, वरना आप उसको चेकआउट कर सकते हो। और जब भी रिक्रूटमेंट आए आप एप्लीकेशन करो। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है क्रूज शिप की, वो मैक्सिमम मतलब मेरी नॉलेज में 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। आपको 1 रुपया किसी भी एजेंसी या किसी भी एजेंट को नहीं देना होता है। और अगर आपसे कोई पैसा मांगे तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो बंदा फ्रॉड कर रहा है। सिलेक्शन होने के बाद में कुछ प्रोसेस होती हैं जिनमें कि पहला होता है मेडिकल और दूसरा होता है वीज़ा। ये 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं जो कि आपको सिलेक्शन के बाद करना पड़ता है। बात करें मेडिकल की तो DG Shipping की वेबसाइट पर, जिसकी की भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा,
वहां से आपको मेडिकल करना होता है 4,500 से 5,000 रुपए या मुश्किल से कोई छोटी सिटी में या किसी दूसरी सिटी में। मैं मुंबई में हूँ आज के डेट में, यहाँ मेडिकल 5,000 में होता है। अगर आप क्रूज शिप पे काम करना चाहते हो और वो यूएस बेस्ड शिप है तो आपको यूएस का वीजा भी बहुत जरूरी है, वो आपको अप्लाई करना है। वो कभी कभी आपको एजेंसीज हेल्प करेंगी, अगर आप खुद कर सकते हो तो खुद भी कर सकते हो। उसकी की जो कॉस्ट है, जब मैंने अप्लाई किया था लास्ट मैंने चेक किया तो अराउंड $160 और इंडियन रुपीज में अराउंड 15,000 के करीब आपका वो चार्ज आता है। आपका वो पैसा आपको कंपनी रिटर्न करेगी। सारी की सारी सिलेक्शन प्रोसेस पूरी होने के बाद में आपका बारी आता है ज्वाइनिंग करने का। और जब आप ज्वाइन करने के लिए जाते हो तो सबसे बड़ा सवाल आता है फ्लाइट टिकट, जो कि सबसे एक्सपेंसिव है। कुछ कंपनीज आपको फ्लाइट टिकट प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि मेरे नॉलेज में कार्निवल है, वो फ्लाइट टिकट आपको देती है इररिस्पेक्टिव आप किस डिपार्टमेंट के लिए हो। ज्वाइनिंग करने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मैं कितने महीने काम करूंगा। तो गाइज आपकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता है वो 9 महीने भी होता है, कुछ का 8 भी होता है, कुछ का 6 और कुछ का 5 और कुछ का 3, डिपेंडिंग अपॉन योर पोजीशन एंड कंपनी। जैसे कि मैं जिस कंपनी में हूँ मैं 6 महीने काम करता हूँ और मेरी ऑलमोस्ट 60 डेज या 45-50 डेज की वैकेशन होती है। तो ये एक छोटा सा बहुत ब्रीफ में वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, इसको चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे को कमेंट्स में बताओ कि आपको और कौन से सवाल हैं जिनका कि मैं आंसर अभी ज़्यादा डिटेल में दूंगा। और ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट वीडियो थी और ये पहला एपिसोड है। इसके बाद में मेडिकल, STCW, वीज़ा एंड ऑल बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं और मैं दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब करके ही जाना प्लीज़, एंड पूरी वीडियो देखी है तो लाइक तो करना बनता ही है। एंड मुझे फॉलो करो AVATOR NITIN इंस्टाग्राम पर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।